जिला गुमला कामरा प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत जामडी बरडाण की सिक्रांति देवी और उनके सहयोगी मध्याह्न भोजन योजना के तहत न प्राथमिक विद्यालय में रसोइया का काम करती है। यह प्रत्येक दिन बच्चों को पका हुआ पौष्टिक आहार परोसती है, जिसे प्रत्येक माह 1000 रुपया दिया जाता है। लेकिन वर्ष 2015 से इन दोनों रसोइया को वेतन नहीं मिल पाया है, जिसे मजबूर होकर दतुअन बेचती है। मैं शांति और ये है हमारा समुदाय। क्या करते हैं आप? हम न प्राथमिक विद्यालय बरडाण स्कूल में खाना पकाते हैं। तो आप लोग को वेतन बराबर मिलता है? हाँ, पहले तो मिलता था, लेकिन फिलहाल अप्रैल महीना से नहीं मिल रहा है। तो आपका पारिवारिक जीवन कैसे गुजर रहा है? ऐसे ही दतुन सब खोजते हैं, एक बेला स्कूल में खाना पकाते हैं, फिर दूसरी बेला बच्चों को खिला पिला के दूसरी बेला दतुन सब चले जाते हैं। मेरी बेटी लोग भी स्कूल से आते हैं, फिर उन लोग को लेकर चले जाते हैं दतुन खोजने, और थोड़ा थोड़ा करके लाते हैं, जमा करते हैं, फिर इतवार के दिन में स्टेशन ले जाकर बेच कर आते हैं। आप लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा, इसके लिए आप टीचर से बात नहीं किए हैं क्या? टीचर से बात करते हैं, टीचर बोलती है कि अब अकाउंट में ही आप लोग का पैसा आएगा। तो टीचर बोली कि जाकर वहाँ चेक करवाइए, तो हम गए थे 2-3 बार चेक करवाने, तो लोग बोलते हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं आया है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको बराबर वेतन दिया जाए, और वेतन मिलता रहे जिससे हमारा आर्थिक स्थिति सुधरे और ये दतुन ना बेचना पड़े। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि 10 महीना हो चुका है और अभी तक इन दोनों रसोइया का अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जा रहा है, जबकि जिला से पैसा आ चुका है। इस संबंध में मध्याह्न भोजन की अकाउंटेड सुश्री अंजलि मैडम, जिनका मोबाइल नंबर है 09334184621 है। अतः आप तमाम वीडियो देखने वाले साथियों से हम अपील करते हैं कि ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर हमारी मदद करें। मैं शांति, जिला गुमला, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।